हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे पूरा परसेंटेज मैथमेटिक्स। और परसेंटेज मैथमेटिक्स को इतना आसानी से मैंने पढ़ाया है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, आप लोग सुन लीजिए। एक्चुअली मैंने क्या देखा था कि हमारे दोस्त लोग या फिर हमारे जो सीनियर लोग थे, वो लोग पढ़ाई करने के लिए जाते थे पटना। हम लोग हैं बिहार के समस्तीपुर से। तो क्या होता था कि मैंने उनको देखा कि उनको एक बार एक जॉब लेने में, एक छोटी सी नौकरी ग्रुप डी लेने में भी उनको 5 साल 6 साल 7 साल का टाइम लगता था। तो फिर मैंने उस टाइम, हम 9th या फिर 10th में थे, तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार इतना टाइम कैसे लग सकता, जबकि इसका सिलेबस वगैरह तो हमको पहले से पता था। इसमें मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग, साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब पूछी जाती है। तो फिर मैंने जब गहराई से अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि उन लोगों की जो है मैथमेटिक्स में मैथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में। फिर उसको मैथमेटिक्स सीखने में ही 3 से 4 साल का समय लग गया। फिर मैंने देखा कि मैथ का सिलेबस कितना बड़ा है। तो फिर मैंने देखा RS अग्रवाल किताब है या फिर सगीर अहमद किताब है, तो उसमें बस 40-45 चैप्टर है। तो फिर मैंने सोचा ऐसा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक दिन में एक चैप्टर अगर हम बनाना शुरू करेंगे, फिर भी 2 महीने के अंदर पूरा मैथ सीख सकते हैं। लेकिन एक दिन में एक चैप्टर बनाना पॉसिबल क्या? इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो फिर मैंने स्टूडेंट को पूछा कि आखिर आप लोग कैसे बना, क्योंकि उस टाइम जो था मैं 9th और 10th में था। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो, सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग अलग ट्रिक्स होते हैं और आपको ये ट्रिक्स याद करना पड़ता है। तो फिर मैंने देखा एक चैप्टर के अंदर में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ गौर किया कि 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन जो है बिल्कुल कॉमन टाइप के होते हैं, वही सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा कि और एक चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो है जो भी है वो क्रिएट किया जाता है, और एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत तरह से लिखा जा सकता है। यानी कि एक चैप्टर में कम से कम 100 टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, और 40 से 45 चैप्टर है तो सोचिए कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उतने टाइप के हमको ट्रिक्स भी याद करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक चीज़ और देखा कि क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक है कि ट्रेडिशनल मेथड, जो कि हम लोग 9th और 10th में लिखते थे, वहाँ पे क्या होता था कि आपको पेज को भरना होता था, इसलिए एक एक स्टेप को लिखना ज़रूरी होता है। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि उस क्वेश्चन को पूरा व्याख्या के साथ में बनाना होता था, जिससे हमको टाइम लगता, यानी कि फंडामेंटल मेथड जो है वो। और दूसरा है ट्रिक। ट्रिक में क्या था, क्वेश्चन को बस एक लाइन में लिख करके उसको आंसर निकालना पड़ता था, ये चीज़ है। तो टाइम तो कम लगती थी ट्रिक में, लेकिन सभी ट्रिक को याद कर पाना, पूरा 100% मैथ को कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो यही सब प्रॉब्लम को देखते हुए जब हम पास आउट हुए इंजीनियरिंग, तो मैंने पढ़ाने का सोचा और मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो सबसे पहले तो मुझे खुद भी आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने खुद तैयारी किया, खुद से ही किसी कोचिंग में नहीं जा करके, वही एब्जॉर्ब करके मार्केट को मैंने देखा कि कहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते क्या करते। तो मैंने खुद अपने आप में बस जो भी बेसिक टॉपिक है वो सब 9th और 10th में है। 9th और 10th को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो मैंने बस RS अग्रवाल किताब को बस मैंने पढ़ना, पेज को उलटते गया। फिर मैंने देखा 2 से 3 घंटे में हम पूरा RS अग्रवाल किताब को उल्टा दिए, और मैंने उस समय ये सोचा कि मैंने बस एक बार एक नज़र देखा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। फिर मैंने देखा कि चलो यार, ये सब मैक्सिमम चीज़ तो हमको पहले से पता है, क्योंकि देखिए अब लॉस एंड प्रॉफिट या फिर परसेंटेज चैप्टर ये सब क्लास 5 में ही हम लोग पढ़ चुके थे, तो उस टाइम से तो बेसिक नॉलेज तो थे ही, और बेसिक नॉलेज को ही लैंग्वेज कैलकुलेशन को मिक्स करके हमको चैप्टर बनाना था। तो उस तरह से पहले हम खुद सीखे, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट लोगों को पढ़ाना शुरू किए बिल्कुल फ्री में ही। और उसके बाद क्या हो कि तैयारी हमारी इतनी होनी चाहिए, हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो मैंने लोको पायलट का फॉर्म डाला 2014 में, फिर मैंने उसको पास आउट कर दिया। लेकिन वो नौकरी करने के उद्देश्य से मैंने फॉर्म को नहीं भरा था, बस मैं उसको पास करके देखना चाहता था। और उसका फिर मैंने 2016 में SSC LDC को पास किया, उसका फिर 2018 में फिर से लोको पायलट को पास किया। इसके अलावा और भी सारे एग्ज़ाम्स जैसे सेल वगैरह, ये सबको मैं पास किया था, लेकिन हमारा पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए हम एग्ज़ाम को भी देते ताकि हमको पता चले कि कौन से एग्ज़ाम की हम तैयारी करवाते हैं और वहाँ पर क्या रिजल्ट आते हैं। तो हमारी जो मैक्सिमम जो है 80-90% स्टूडेंट का जो है मैथमेटिक्स से वीक होता है, और उस मैथ को सुधारने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के सामने और मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 4 साल से हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हमारा वीडियो कोचिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो देखिए, तो अब हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि मैथ को बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आसानी से कैसे बनाया जाए। इसके लिए जो मैंने तरीका डेवलप किया है, ये तरीका आप लोग जान जाइए, बस
थ्री स्टेप मैथमेटिक्स, बस तीन स्टेप में पूरा मैथमेटिक्स फिनिश। आपको ज़्यादा कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, आपको ज़्यादा कुछ ट्रिक याद नहीं करना पड़ेगा। 75% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको माइंडली बनेगा, मुझवानी बनेगा। जब मैं बना सकता हूँ तो आप मुझसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपको अभी सीखने की ज़रूरत है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके सामने एक टारगेट है कि हमको नौकरी लेनी है, तो ये है। तो आप लोग मुझसे भी बेहतर मैथ बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। तो बस हमने क्या देखा कि बस 2 से 3 घंटे के अंदर में, मैक्सिमम 3.5 से 4 घंटे के अंदर में हम आपको एक पूरा चैप्टर आपको हम सिखा सकते हैं, वो भी 100%। इसके बाद आपको इस परसेंटेज चैप्टर में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। और परसेंटेज चैप्टर के बेस पे पता है आपको मैथ में कितना चैप्टर है? मैंने मैथमेटिक्स का जो किताब लिखा मैथ्स जीरो लेवल, उसमें मैंने क्या देखा कि परसेंटेज ग्रुप मैंने बनाया, और परसेंटेज ग्रुप का सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज, दूसरा चैप्टर लॉस एंड प्रॉफिट, तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका यानी कि साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, चौथा जो चैप्टर है वो है डिस्काउंट, पाँचवा चैप्टर है आपका यानी कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और छठा चैप्टर है आपका CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि परसेंटेज के बेस पे आपका 6 चैप्टर बन जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और हम आपको सिखाते हैं परसेंटेज। आपके मन में एक से एक छोटी छोटी बात भी आपके मन में बैठ जाएगी, बिल्कुल बैठ जाएगी, इस बात की फुल गारंटी। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब देखिए, परसेंटेज चैप्टर को हमको पूरा बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। एक तो क्या है, एक क्या है परसेंटेज चैप्टर का इंट्रोडक्शन, परसेंटेज चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि परसेंटेज चैप्टर कहते किसको हैं, परसेंटेज चैप्टर बनाने के लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूला याद होना चाहिए और कौन से बात पे ध्यान देना पड़ेगा यानी टिप्स और ट्रिक्स। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन में जो है 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक है डिफिनेशन यानी कि परिभाषा, दूसरी चीज़ है फॉर्मूला यानी कि सूत्र, और तीसरी जो चीज़ है जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ वो है टिप्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। ट्रिक्स मतलब हम आपको क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक नहीं सिखाएंगे, आपको ये सीखना है कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कुछ ऐसा करना है कि ऑप्शन पे ही क्वेश्चन बन जाए, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिए जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को पहचान करके उसको छोड़ देने में ही भलाई होती है। उस तरह के हम आपको सिखाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना चाहिए, जबकि ये चीज़ कोई भी टीचर थोड़ी ना बोला कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ करके आइए, जो कि मैं बोलता हूँ कि आप 2-4 क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आइए। चलिए ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये रहा, तो अब देखिए यानी कि सबसे पहले कि लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, दूसरी जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है वो है लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि भाषा, यानी कि परसेंटेज चैप्टर में भाषा। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार मैथमेटिक्स परसेंटेज जो है मैथमेटिक्स की चीज़ है, यहाँ पे हमको भाषा कौन सा सिखाएगा, क्या सी लैंग्वेज सिखा देगा, या फिर जावा सिखा देगा, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सिखा देगा, कुछ ऐसा समझ लीजिए। आपका दिमाग जो है एक कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में हमको मैथ का जो फंक्शन करना है, मैथ का जो क्वेश्चन बनाना है, इसके लिए आपके माइंड में एक मैथ की भाषा इंस्टॉल होनी चाहिए, और हम आपके माइंड में वो भाषा हम आपके माइंड में इंस्टॉल करेंगे। आखिर वो भाषा में है क्या, चलिए देख ही लीजिए कि वो भाषा में है चीज़ क्या। देखिए ये है लैंग्वेज ऑफ भाषा, तो आपको इस भाषा में बस 2 ही चीज़ आपको सीखना है, एक क्या है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। समझ में नहीं आई होगी, चलिए 2-4 मिनट के बाद आप समझ जाइएगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, वो है लैंग्वेज यानी कि भाषा। हम आपको मैथ की भाषा सिखाएंगे, वो भाषा को जान के ही आप क्वेश्चन को माइंडली बना सकते हैं। अगर आप मैथ की भाषा नहीं जानेंगे ना, तो बस वही आप ट्रिक रटते रह जाएगा, और ट्रिक पे आप 100% क्वेश्चन को नहीं बना सकते, यहाँ तक कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, या कि आप 30 दिन के अंदर पूरा मैथ नहीं बना सकते। यानी कि अगर आप ट्रिक पे बनाइएगा तो आपको 3-4 साल आपको भी लगने वाले हैं, लेकिन आप हमारे तरीके को अपनाइएगा तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर पूरा मैथ सीख जाइएगा। तो हमको लैंग्वेज सीखना है, उसके बाद देखिए हमको क्या सीखना है, कैलकुलेशन। इंट्रोडक्शन सिखाएंगे, लैंग्वेज और कैलकुलेशन, बस यही 3 स्टेप में, यही 3 स्टेप में आप पूरा मैथमेटिक्स बना पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं है, ये डिजाइनिंग है, एक इंजीनियर की डिजाइनिंग है। हम आज है 16 तारीख ना, कल था 15 सितंबर, और 15 सितंबर को होता है इंजीनियर दिवस, हम लोग का दिन था, तो हमें बोल दीजिए यार हैप्पी इंजीनियर्स डे। देखिए परसेंटेज में हमको बस ये 3 चीज़ें,
इसको मैंने बनाया। अब हम यहाँ पे अगर लॉस एंड प्रॉफिट सिखाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट, इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज और कैलकुलेशन। यही चीज़ हम जितने भी चैप्टर सीखेंगे सब में आपको सिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बस 3 स्टेप है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बस विस्तार से हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन के हमको रूप में हमको पढ़ना क्या है, डिफिनेशन यानी कि परिभाषा। दूसरी चीज़ है फॉर्मूला, यानी कि आपको परसेंटेज चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला कहाँ से बनती है, कैसे बनी है। आप अगर फॉर्मूला भूल जाए एग्जाम हॉल में तो आप खुद से उसी टाइम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा तरीका कि आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलिए तीसरी जो चीज़ है वो हम आपको देंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको परसेंटेज चैप्टर में कौन से टिप्स को फॉलो करना होगा वो चीज़ें। परसेंटेज चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि परिभाषा के अंदर में जो चीज़ हमको सीखनी है परिभाषा में कि कंपेयर विथ 100, बस आप इंग्लिश के 3 वर्ड को याद रख लीजिए, कंपेयर विथ 100। कंपेयर विथ 100 यानी कि किसी भी संख्या का 100 के साथ कंपेयर करने को या फिर तुलना करने को हम बोलते हैं परसेंटेज। समझ में नहीं आई होगी लेकिन अपनी तरफ से परिभाषा दे रहे, कंपेयर विथ 100 यानी किसी संख्या को 100 के साथ तुलना करने को ही परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज आखिर ऐसा क्यों, जैसे बोलता है 10 में से 9 आदमी, 10 में से 5 आदमी, उस 20 में से 50 आदमी, उसी तरह से जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चल रहा है वो परसेंट चल रहा है, यानी कि 100 में कितना। जैसे हम आपको बोले कि यार आज हम काम करके आए हैं, तो काम तो होती कोई भी एक, और हम उसमें क्या बोल सकते हैं कि 100 में कितना। समझ में नहीं आई, चलिए एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे कि यह मान लीजिए कोई एक पिज्ज़ा है या फिर रोटी है, और ये रोटी यहाँ पे इसका पॉइंट होगा बीच का, तो अब हम लोग इसको परसेंट के रूप में देखे कैसे करते हैं, हम क्या मान लेते हैं ये पूरा का पूरा जो है वो है 100। क्या है? 100 है। ओके, ये पूरा पूरा क्या है? 100 है, ये 100 है, 100% है, यानी 100 है। अगर इस 100 को 4 भाग में बराबर रूप से बांट देंगे तो इसको कितना देना पड़ेगा? 25। इसको कितना देना पड़ेगा? 25। इसको भी 25। इसको भी 25। तो ये जो है, ये जो 25 है, ये अपने आप में, यह जो अपने आप में वो है कितना? 25/100। यानी कि अगर आप लोग 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में 25 नंबर लाते हैं तो आपको कितना नंबर टीचर लिख के देता है कॉपी पे? 25/100। तो वही जो है 25/100। अब जो है ये 25/100 इसी को हम लोग दूसरे तरह से हम अगर लिखना चाहेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे 25 बराबर 25। अब ये जो है बट्टा में 100, इसको बट्टा में 100 नहीं दे करके यहाँ पर हम लोग परसेंट का सिम्बॉल बना देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर। तो इससे अगर आप लोग समझ नहीं पाए तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ और सीखते हैं। तो ये देखिए, यह है परसेंट का सिंबल, परसेंट का ये है सिंबल, और इसका मतलब होता है 1/100। यानी कि इस परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है? 1/100, कंपेयर विथ 100, यानी किसी संख्या को 100 के साथ कंपेयर करने को ही यानी कि परसेंटेज कहते हैं। और परसेंट के सिंबल का मतलब होता है 1/100, बस आपको सिर्फ इतना ही चीज़ याद रखना है, परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है? 1/100। अगर कहीं पे 1/100 लिखा हुआ है तो आप इसके जगह पे परसेंट का सिंबल आप लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। जैसे कहीं पर भी मान लीजिए कि 5/100 लिखा हुआ है, 5/100 लिखा हुआ ना, इसको हम लोग दूसरे रूप में कैसे बदल सकते हैं? 5×1/100, तो इसको लिख ही सकते हैं। और इसके बाद अब देखिए, हमने आपको क्या सिखाया कि 1/100 को आप कहीं पर भी परसेंट के सिंबल के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 1/100 को हम एक्स मान लेंगे, अगर हम 1/100 को x मानेंगे तो हमको यहाँ पे क्या 5x तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम 1/100 जो है x के बराबर है। उसी तरह से x के तरह ही मान लीजिए, जिस तरह से x एक सिंबल है, मैं ये इंग्लिश का एक लेटर है, उसी तरह से ये परसेंट भी एक सिंबल है, ये किसी भाषा का सिंबल है, मतलब मैथमेटिशियन लोगों ने इसका ईजाद किया है, इसको लिया है। उसी जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जो एक सिंबल का रचना हुआ है, जैसे कि ये जो है, ये जो सिंबल है रुपया का, हम लोग का जो भाषा है रुपया, सॉरी
हम लोग का जो मुद्रा रुपया है उसका सिंबल इस तरह से बनाया गया है, उसी तरह से जिस समय परसेंट का इजाद हुआ होगा उस समय इसको बनाया होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो है 1/100 जो है इसके जगह पे हम लोग 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंट होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/100 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे परसेंट का सिंबल, यानी कि 5% जो है एक मतलब 5/100 को हम लोग 5% लिखते हैं। तो यहाँ पे परसेंट का सिंबल आपको पूरा काम करेगा, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में आपको वही से यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, कि कुछ भी आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। और देखिएगा हम आपके सामने सैकड़ों हजारों क्वेश्चन को किस तरह से बिल्कुल उड़ा देते हैं, कि बस यही छोटी सी परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है, परसेंट के सिंबल का मतलब होता है 1/100, बस यही बात को यूज करके पूरा का पूरा परसेंटेज चैप्टर को बना देंगे। और जितने भी मैथ में चैप्टर होते हैं सब में कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज एक ना एक बार हो ही जाता है, चाहे वो क्षेत्रमिति बनाइए या फिर काम समय बनाइए, चाहे कोई भी चैप्टर बनाइए, आपको परसेंटेज का यूज हो ही जाएगा, बिल्कुल बेसिक है। और एक स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल स्टूडेंट कैसे पूरा आसानी से पूरा मैथमेटिक्स को सीख सकता है, इसलिए हम आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं परसेंट, क्योंकि परसेंट में आप इंट्रोडक्शन भी जान जाएंगे अच्छी तरह से, लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी तरह से है, और कैलकुलेशन भी काफ़ी हैवी होती है। तो आप तीनों चीज़ को परसेंट चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह सिखाएगा, इसलिए हमने क्या बना अपना मैथ्स का किताब जो है मैथ्स जीरो लेवल, उसमें हमने परसेंट चैप्टर को सबसे पहला चैप्टर बना, जबकि और सब जो किताबें हैं उसमें या तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगी पहले चैप्टर ग्रुप में, या फिर आपको मिलेगा संख्या पद्धति। जबकि जितना भी किताब अभी मार्केट में चल रहा है, चाहे जो भी किताब चल रहा हो, किसी में भी स्टूडेंट को एक जीरो लेवल स्टूडेंट को सिखाने के लिए जो चैप्टर का जो सीक्वेंस है, यानी कि एस्केंडिंग ऑर्डर में दिखाया नहीं गया, डिस्केंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, वो कहीं कहीं से कोई भी चैप्टर, जैसे कि अभी पहला दे दिया नंबर सिस्टम, फिर दे दिया सिंप्लीफिकेशन, फिर घुसा दिया औसत, फिर घुसा दिया वहाँ पर काम समय, फिर घुसा दिया, जैसे देखिए कि पाइप और टंकी काम और समय जो है एक ही चीज़ के दो पार्ट हैं, जबकि दोनों चैप्टर को अलग अलग पहुंचा देगा। जैसे एक 11वां चैप्टर दिया परसेंटेज का, 22वां चैप्टर दिया जा करके किसका, बट्टा का, सॉरी परसेंटेज क्या हम बोल रहे थे, खुद बोल रहे, हाँ काम समय और पाइप टंकी। तो काम समय को दे दिया चैप्टर नंबर 12 में और पाइप टंकी घुसा दिया चैप्टर नंबर 22 में। अब सोचिए कि कोई स्टूडेंट अगर काम समय पढ़ लिया चैप्टर नंबर 12 में, उसके बाद 2-3 महीने के बाद जाएगा पाइप टंकी तक, जब तक जाएगा पाइप टंकी तक तब तक वो काम समय भूल जाएगा, जब तक फिर उसको बनाएगा इस पे आएगा, तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है स्टूडेंट के मन में। इसलिए हमने किताब में चैप्टर के सीक्वेंस ही बनाए, चलो इसके बाद ये सीख लो, इसके बाद ये सीख लो, तो आपको सीखने में आसानी, याद करने में भी बिल्कुल आसानी रहेगी। तो चलिए देखिए, तो ये रहा, अब इसको हम कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। चलिए फिलहाल तो हमको इंट्रोडक्शन में इतना ही चीज़ हमको जानना था, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि परिभाषा आप लोग को आ गई समझ में, नहीं आई, देखिए जैसे कि लिखते हैं हम लोग 20%, बस आप लोग इसका मतलब समझिए, कुछ नहीं मतलब है, 20% के सिंबल का मतलब होता है 1/100, और हम लिखे 20%, इसका मतलब क्या हुआ, 20 × 1/100, ठीक है। इसके जब इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, 20% मतलब 20 × 1/100। अगर हम यहाँ पे 100% लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 × 1/100, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 5/4 लिखते हैं, यह भी तो एक संख्या, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/4 गुना 1/100। चलिए ठीक है, अब ये तो रहा पहला स्टेप, अब इस स्टेप के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। तो अगर हम बनाएंगे, लगातार बनाएंगे, तो हम लोग इसको 20% को 20/100 डायरेक्टली लिख देंगे, अब 20/100 को 1/5 हम अपना मन से ही कैलकुलेट करके बता देंगे। तो ये रहा आपका परसेंट। अब देखिए परसेंट जो है कितना भी परसेंट हो सकता है, 200% भी हो सकता है, 500% भी हो सकता है, 1000% भी हो सकता है, वो देखें कैसे। अब हम एक चीज़ और समझें कि परसेंट का आखिर मतलब कि नंबर में कितना वैल्यू होता है, क्या वैल्यू होता है। अब देखिए क्या चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं कि नंबर में इसका क्या वैल्यू, जैसे कि मतलब आप लोग समझ जाइए जो मेन चीज़ है, जैसे कि 100% हम लोग अगर बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, 100%, यानी कि इसका जितना भी शेयर बनेगा 100% मेरा ही। अगर हम इस चैनल के मालिक हैं तो 100% रुपया जो है मेरे पास जाएगा ना, कोई बांटने आएगा नहीं आएगा।
अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है, उस संपत्ति में दो भाई हैं, उसके बीच अगर लड़ाई झगड़ा होगी तो क्या बोलेगा, दो गांव वाला क्या बोलेगा कि दोनों को आधा आधा बांट दो, क्या करेगा, दोनों क्या बोले कि दोनों को आधा आधा बांट दो। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है अपने आप में, जिस तरह से आप लोग आइंस्टीन ने ई बराबर एमसी स्क्वायर दिया था, उतना बड़ा तो मैं वैज्ञानिक हूँ नहीं, लेकिन परसेंटेज चैप्टर के लिए मैंने एक छोटा सा चीज़ बनाया, वो क्या है कि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। हम भी तो अपने आप में 100%, हमारे YouTube से जितना पैसा आता है वो तो 100% आता है, वो अलग बात है कि 45% YouTube के पास रह जाता है, लेकिन YouTube से निकलने के बाद जितना पैसा आता है, मान लीजिए $100, $200 जितना बनता है, 100% तो मेरे ही पास आता है ना। अगर हम इस चैनल के दो पार्टनर होते, हम भी पढ़ाते, एक दूसरा सर भी पढ़ाते, तो क्या होता कि हम दोनों को क्या मतलब आधा आधा पैसा बांटना पड़ता, अगर हम दोनों साथ में काम, अगर हमारे बीच अगर डेली होती किसी और रूप में तो उस हिसाब से हमको पैसा बांटना पड़ता। अगर हम दो बराबरी के हकदार हैं, आधा आधा बांट रहे थे, तो उसको क्या बोले, आधा आधा क्या मतलब, 100 का मतलब होता है पूरा, पूरा का पूरा, फुल फिनिश, पूरा मतलब 100%, पूरा 100% फुल फिनिश। आधा मतलब क्या हुआ कि पूरा जो है ना, जो पूरा चीज़ है, यानी कि ये है पूरा, ठीक है, यानी कि पूरा फुल, बिल्कुल फुल। आधा एक होते है ना फुल दारू, फुल एक होती है आधा, मतलब फुल का आधा, यानी 1 किलो आधा किलो, तो 1 किलो का ही 50% आधा। अब देखिए ये जो है ये अपने आप में तो है कितना 100% है, लेकिन ये जो है आधा आधा, ये एक रोटी है, एक रोटी को दो आदमी बांटना है तो कैसे बांटेंगे, 20 से काट देंगे। अब ये जो 100 है, 100 है, इसको अगर 20 से काटेंगे तो क्या होगा, 50 यहाँ पर रह जाएगा, 50 यहाँ पर रह जाएगा। तो अब इसको क्या बोले, कंपेयर विथ 100, यानी कि परसेंट इसको रूप में इसको लिखना है, तो 50% का सिंबल हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इसको हमको सिंबल के रूप में क्या लिखेंगे, 5 × 1/100, ठीक है, 5 × 1/100, यानी कि 50 × 100, 1/2। अब लीजिए, अब 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा आधा, 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, यानी कि हाफ। एक को क्या बोलते हैं, फुल, 1/2 क्या बोलें, हाफ, 100% क्या बोलेंगे, फुल, यानी 100% जो को हम एक के बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि 100/100 करेंगे तो एक के ना बचेगा। अब 50% क्या लिखेंगे, 50/100, यानी कि 1/2 ये ना बचेगा, तो वही है। तो अब देखिए 100% मतलब पूरा, आप 50% मतलब आधा आधा, ये सब चीज़ का यूज होगा जब जहाँ पे भी क्वेश्चन में हमको इसी लैंग्वेज के रूप में हम लोग बस बना मान लेना अपने आप को। अगर बोले 30% क्या मतलब है कि 100 में 30, यानी कि 30/100, 3/10 लीजिए, हम मुँह जवानी ये कर लिए, अब इसको हमको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ा। तो ये चीज़ है, तो इतना चीज़ समझ में आ रहा है कि पूरा आधा। अब एक चीज़ और हम लोग समझ, कहीं पे हम लोग लिख दिए 200%। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, 100 से लेके 100 तक ही तो हम लोग गिनती सीखे हैं, 100 के आगे तो गिनती भी कोई नहीं सिखाता, तो क्या है कि 200% मतलब कितना, अब पूरा जितना था, यानी कि 100% को हमको तो फुल बना दिए फुल, और 50% को आधा आधा, तो 200% 100%, तो 200% क्या हो गया। तो अब देखिए पूरा आधा, आप दुगुना भी तो पढ़े हैं ना, दुगुना, जैसे कि हम आज आपको 10 रुपया दे रहे हैं तो कल हम लेंगे आपसे कितना, दुगुना पैसा लेंगे, यानी कि 10 का 2 गुना, यानी कि 20 रुपया। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि एक आधा दो, एक जो है 100% के बराबर है, मतलब पूरा का पूरा फुल, आधा जो है वो है 50% के बराबर, यानी कि आधा आधा आधा, यानी 100 का ही 2 भाग कर दीजिए, वो क्या हुआ आधा। अब देखिए दो का मतलब क्या हुआ, 1 का ही 2 गुना है, यानी 100% का 2 गुना, यानी कि 200%। अगर कोई हमको 100 रुपया देगा आज, तो कल उसको हम बना के देंगे 200 रुपया, तो हम क्या कर दिए उसको, हम क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए, यानी कि 200% कर दिए, कितना कर दिए 200%, यानी कि 200% रुपया। इसी को अगर 300% करेंगे तो क्या हुआ 3 गुना, 400% करेंगे 4 गुना, 1000% करेंगे 1000 गुना, 1,00,000% करेंगे 1,00,000 गुना ज़्यादा। तो परसेंट को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, अगर हम करेंगे तो इस तरह से है, चाहे जो भी हो, परसेंट का सिंबल जहाँ पे लग गया, जैसे 200 है,
परसेंट का सिंबल अगर यहाँ पे लग गया तो इतना मतलब, इसका मतलब क्या होता है, 200 बट्टा 100, यानी कि इसका मतलब क्या हो, 2, और 2 जो है 1 का क्या है, 2 गुना। तो ये सब चीज़ें, अगर बोला कि 4 का 400%, तो 4 गुना 400 अब बट्टा में 100, ठीक है, 400 का 400%, 4 गुना 1 बटा 100। तो इस तरह से तो आप लोग को समझ में आ गई। और वैसे बात, जितने भी सारी चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं, तो आप क्वेश्चन में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, ये तो आपका परिभाषा के रूप में। अब हम लोग देखिए आगे जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो है आपका फॉर्मूला यानी कि सूत्र। परसेंट में जो है फॉर्मूला यानी कि सूत्र जो भी है, हम लोग को जो भी मैथ है, हम लोग फॉर्मूला या फिर सूत्र को याद करने से ही भागते थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको याद करने के लिए न जाने कितने बार हम लोगों ने मार खाया होगा अपने बचपन के मास्टर से, टीचर से, और या फिर जिस भी तरह का फॉर्मूला हो उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितने भी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का जितने भी स्टूडेंट है सबको मैथ से डर लगता है। हम आपको क्या करने हैं, मैथ्स का डर दूर भगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या होती है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र ऐसा चीज़ होता है कि परीक्षा हम लोग देने जाते हैं क्लास चौथा पाँचवा में, तो हम लोग क्या बगल वाले विद्यार्थी से पूछते हैं, अरे इसका इस क्वेश्चन का यार फार्मूला बताना, फार्मूला हमको भूल जाते थे। तो वही फार्मूला जो है उसको कैसे कैप्चर में रखना है, उसको हमको याद रखना है, उसका हमको तरीका खोजना है कि फार्मूला आखिर है क्या, उसको हमको कैसे याद रखना है, कितना सारा फार्मूला होता है, सबको फार्मूला याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि फार्मूला याद कर लीजिए, इसका फार्मूला कम समय का फार्मूला लगा दिए पाइप टंकी में, अब पाइप टंकी का फार्मूला निकाल कर लगा दिए मेंसुरेशन में, किसी का फार्मूला किसी में थोड़े ना फिट होगा। आपको सही आंसर के लिए आपको फॉर्मूला क्वेश्चन को आपस में बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो अब देखिए परसेंटेज चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला है जिसको आपको यूज करके पूरा परसेंटेज चैप्टर को बना। अब देखिए फॉर्मूला के रूप में सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसको आप लोग अच्छा से गांठ बांध लीजिए। गांठ कैसे बनाता बता दें। इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है परसेंट का जो सिंबल है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कहते हैं किसको, उसको ही बताएंगे। परसेंट का जो सिंबल है वो क्या होता है, 1/100 के बराबर होती है। परसेंट का जो सिंबल है वो है 1/100 के बराबर। परसेंट का सिंबल क्या है, 1/100 के बराबर, यह एक फॉर्मूला है। अब कैसे बोलेंगे फॉर्मूला, यानी कि जो इक्वेशन होती है ना, समीकरण होती है ना, उसी को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे कि आप लोग समीकरण का सबसे पहला बार यूज किए होंगे, आप लोग समीकरण के बारे में आप सुनते हैं केमिस्ट्री में, और समीकरण के बारे में क्लास 9th में जब आप आए होइएगा उसी टाइम आपको समीकरण से आपको दर्शन हुआ होगा, या फिर क्लास 8 का कुछ क्वेश्चन में समीकरण का यूज था। लेकिन हम लोग समीकरण का यूज बचपन से ही पढ़ते हैं, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल सी माइनस डी। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये बराबर का जो सिंबल है ना, इसको बस एक दो लकीर मत समझिए। इस बराबर के सिंबल का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड जो है, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड का जो चीज़ है वो आपस में बिल्कुल कैरेट बाय कैरेट, पिक्सल बाय पिक्सल, बिल्कुल 100% बराबर है। 1% या फिर एक सुई के नोक भर भी इधर या फिर उधर नहीं है, वो 100% बिल्कुल बराबर है, ठीक है, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं है, 100% बराबर है। a प्लस बी का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू c माइनस डी का होगा। अब जरा सोचिए a प्लस बी का वैल्यू 99.999% इतना है, और c माइनस डी का वैल्यू अगर 100.0001 है। अब सोचिए कि दोनों तो लगभग में बराबर ही चीज़ है, इसको हम यहाँ बराबर के सिंबल में लिख देते, इसकी इजाज़त मैथमेटिक्स नहीं देता है, दोनों को बराबर नहीं मानेंगे। तो देखिए बराबर को मानने का सिंबल ये हुआ, अब बराबर को नहीं मानने का सिंबल ये हुआ, कहीं कहीं पे यूज होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यह अपने आप में एक समीकरण है, और समीकरण के ही शॉर्टकट रूप को बोलते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स वाई जेड रख करके, एक्स वाई जेड कुछ भी मान करके क्वेश्चन में अगर फिट कर देंगे तो वो फॉर्मूला से वो उसका आंसर निकलेगा। तो परसेंटेज में जो सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ना है आपको, वो परसेंट का जो सिंबल है उसका मतलब होता है 1/100। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ना परसेंटेज चैप्टर में। देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि इतना सारा चीज़ तो हम तामझाम कर रहे, लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं, कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ना। एक्चुअली क्या है कि हम लोग लैंग्वेज से ही फॉर्मूला बना लेते हैं, जिस समय क्वेश्चन बनाएंगे उस समय फॉर्मूला खुद ब खुद निकल के आ जाएगा कि ले हम ही फॉर्मूला हमको यूज करो और क्वेश्चन को बना दो, आंसर आंसर खुद ब खुद बोले कि मैं ही आंसर हूँ, हम ही को
टिक करो, हम ही को सेलेक्ट करो। तो देखिए अब हम लोग फिर भी हम लोग फॉर्मूला के रूप में कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ही। दूसरी जो चीज़ है जैसे कि देखिए 10% का मतलब क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग भाषा के परसेंट, यहाँ पे फॉर्मूला है उसको हम भाषा में पढ़ेंगे। फॉर्मूला के रूप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक है प्रति कितना प्रतिशत ज़्यादा हुआ और कितना परसेंट कम हुआ, तो उसको बोलते हैं प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100, वृद्धि गुणे 100 और बट्टा में बेस वैल्यू। वृद्धि गुणे 100 बट्टा में बेस वैल्यू, वृद्धि गुणे 100 बट्टा में बेस वैल्यू। इसी को हम लोग जब पढ़ेंगे लाभ हानि, मैंने आपको क्या बोला परसेंटेज में जो 6 चैप्टर है वो है परसेंट, लॉस एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट, इसका आपको CISI पार्टनरशिप थी। तो ये जो फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि बटा वृद्धि गुणे 100 बट्टा बेस वैल्यू, यही आगे जाकर के लॉस एंड प्रॉफिट में यूज होता है, लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, और यही आगे जाकर के वही लाभ हानि के रूप में हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, ही दोनों में होता है। तो क्रय मूल्य क्या है, दोनों जगह पे बेस वैल्यू है। हम लोग जब लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ाएंगे आपको तो आपको इसका चर्चा कर दें कि परसेंटेज में हम आपको पढ़ाए हुए थे उसी चीज़ का यूज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। हम आपको पहले क्या बोलते हैं कि 6 चैप्टर परसेंटेज में बनता है। अब तीसरा जो चीज़ है प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो प्रतिशत कमी भी होगा, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बट्टा में बेस वैल्यू। अब देखिए बेस वैल्यू क्या होती है, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस समय आपको अच्छा से समझा देंगे कि बेस वैल्यू होता क्या है। तो आपको फॉर्मूला के रूप में बेसिकली आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, तीन चीज़ों नहीं, ये परसेंट से इसी से मिलकर के ये दोनों भी फॉर्मूला आया है। कैसे आया है जब हमको क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले इसी चीज़ का आपको कुछ चर्चा कर देंगे। ओके फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, याद हो ही गया होगा फिर भी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। अगला जो चीज़ है वो हम आपको सिखाते हैं, यहाँ के लैंग्वेज या भाषा मेन रूप से आप यहाँ पे आपको पूरा मैथमेटिक्स के लिए यही एक ऐसा लेक्चर है जिसको कि आपको हमेशा सब चीज़ में रिपीट करेंगे, दो चार चैप्टर में रिपीट करेंगे, उसके बाद आपको लैंग्वेज के रूप में नहीं बताएंगे। देखिए क्या होती है लैंग्वेज यानी कि भाषा, आपको ही पता है लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा होता है। तो मैथ के भाषा में क्या होता है कि आपको दो चीज़ों का हम मतलब मैथ के क्वेश्चन में जो है कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो फिजिक्स में से निकालिए या फिर कहीं से भी निकालिए, आपको मैथमेटिकल टाइप का कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे दे रहा है तो आपको दो ही चीज़ दे रहा है। एक क्या है कि आपको क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया है, आपको ये जानना है कि क्वेश्चन में हमको जो पूछ रहा है कुछ भी, तो क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ ये जब इस बात का आपको पता करना है, इसको फाइंड कीजिए। और क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन को दो भाग में आपको डिवाइड करना है, आपको ये जानना है कि क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल आपका है परसेंटेज चैप्टर का ही मैंने एक क्वेश्चन लिया हम अपने मास्टर नोट्स में से। क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि किसी पुस्तक का, ये क्वेश्चन नंबर 29 होगा शायद, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% तक घटाया जाए और फिर 20% तक बढ़ाया जाए तब पुस्तक के मूल्य में परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन कितना होगा, तो परसेंट मूल्य कितना होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई होगी, मूल्य में परिवर्तन कितना होगा। तो ये जो सेक्शन है, ये जो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या है, ये आपको ये चीज़ बता रहा है कि क्या पूछ रहा है, अब फिर आपको क्या है, यानी कि इसका आउटपुट पूछ रहा है कि आउटपुट क्या है। हाँ आपको बोले कि हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं ऐसे 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 होता है, अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि बच्चे भी लोगों में हम लोग खेलते थे ना पहेली बुझाने वाला काम, तो वही यहाँ पे पहेली बुझा रहा है कि बताइए तो अगर किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% तक घटाया जाए और फिर इसको 20% तक बढ़ाया जाए तब पुस्तक में परिवर्तन कितना होगा। तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है ना कि पुस्तक का जो मूल्य है उसको पहले 25% बढ़ा दीजिए और फिर 20% तक घटा दीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि पुस्तक का जो मूल्य है वो है आपका, पुस्तक का जो मूल्य है वो है 100 और उसको पहले 25% तक घटा दिया तो इसको हम लिख दिए 75% और फिर हम यहाँ पे 20% तक बढ़ाया जाए, फिर इसको 20% तक बढ़ा दिए, इसको लिख दिए हम लोग 120%। इसको देख के घबराइएगा नहीं, आपको ये सब चीज़ सिखा रहे कैसे हम लोग ये कर रहे हैं,
120% इसको यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 25 दिया 75, 25 चौका 104 दिया 12, यानी कि 30 दिया 90। तो हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि पहले उसका दाम था 100 रुपया, अब हो गया उसका दाम कितना 90 रुपया। घटा कि बढ़ा, घट गया ना, तो 10% कमी आया, 10 रुपया कमी आया। हम आपको क्या सीखे, प्रतिशत कमी बताइए, तो कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू, तो कमी हो गया 10 रुपया का, 10 गुने 100 अब बट्टा कितना, बेस वैल्यू कितना है, तो हमको 100 में से कंपेयर कर, इसलिए बेस वैल्यू 100 है, तो बट्टा हम लिख दें यहाँ पे 100। चूँकि कमी है तो इसलिए हम लिख दें, आपका आंसर कितना होगा फाइनल 10%। तो ये तो रहा क्वेश्चन के अंदर में, लेकिन हम इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकाल पाए, हमको ये जानना पड़े। सबसे पहले हम कहते हैं कि कितना क्या सब काम हमको करवा रहा है। सबसे पहले बोला कि किताब का जो दाम है उसको 25% घटा दीजिए, हम घटा दिए। फिर बोला क्या कि 20% बढ़ा दीजिए, फिर हम 20% इसको बढ़ा दिए। उसका फिर इसमें से हम जितना भी चीज़ हम निकाले, अब हम ऐसा नहीं कि 90 आंसर हम अगर हमको बोलना होता तो बोल देते ना 90 आंसर है, जबकि हम क्या बोले। फिर हम क्या देखें यहाँ पे, पुस्तक के मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ, पुस्तक के मूल्य में जो परिवर्तन कितना हुआ, अब आंसर जो आपका दिया है परसेंटेज में, तो हमको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकले, अब हम यहाँ से क्या निकालिए, जो जिसमें जो चीज़ दिया हुआ था 100 में से हम निकाल दिए, पुस्तक का जो दाम है 90 रुपया हो गया है, यानी 100 रुपये पहले दाम था तो अब उसका दाम कितना हो गया 90 रुपया हो गया। और क्वेश्चन में जैसा बोला कि बताइए कि परिवर्तन कितना परसेंट हुआ है, तो परिवर्तन हमको परसेंट में निकालना पड़ेगा ना। तो अब देखिए 100 में से 90 आया है, 10 रुपया घट गया है ना, तो घट गया यानी कि कमी हो गया, तो कमी गुने 100 बट्टा में बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि 90 ले, यहाँ पे देखिए कुत्ता अंदर घुस गया, ओके ओके। अब आप लोग यहाँ पे क्या देखें, 100 रुपया है 90, 100 रुपया किताब का दाम है, अब उसका दाम हो गया 90 रुपया, लीजिए 10 रुपया घट गया। अब घट गया यानी कि कमी हो गया, तो कम प्रतिशत कमी, हमको प्रतिशत रूप में चाहिए कमी, तो कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू में 90 लिखेंगे कि 100 लिखेंगे, तो हम आपको क्या बोले, जिस जो बेस वैल्यू यानी कि जिससे हम कंपेयर करेंगे, हमको आपको क्वेश्चन में सिखाएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो अब 90 का कंपेयर जो है वो 100 के साथ, और यहाँ पे मेन आदमी कौन है 100, इसलिए बट्टा में किसको लिखेंगे 100, बेस वैल्यू में 100, तो 10 गुने 100 बट्टा 100, यानी कि काट कूट के हम 10 निकाल दिए। वैसे ये क्वेश्चन जब आपको हम सिखा देंगे ना, तो आप बिल्कुल मुँह जवानी बनेगा, बिल्कुल मेरी तरह इतना सारा चीज़ जो है आपके दिमाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, आपको एग्जांपल समझा दिए ना कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज पहले आपको ये जानना है कि इसमें जो चीज़ क्या दिया हुआ है, इतना चीज़ हम दिया हुआ है, और जो चीज़ दिया हुआ है ना उसी का उपयोग करके, उसी का यूज करके आपको ये निकालना है कि आखिर क्या पूछ रहा है, वही तो हमारा आंसर है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आ रही होगी। हम थोड़ा सा यूज कर लेंगे यहाँ पे, कहाँ गया, चलिए अब कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन ये भी पार्ट देखिए, पूरा मैथमेटिक्स में 3-4 चैप्टर बताएंगे, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। कैलकुलेशन यानी कि गणना। अब देखिए कैलकुलेशन यानी गणना। अब कैलकुलेशन आपका कौन करता है, कैलकुलेटर तो अब यूज पॉसिबल ही नहीं है। तो कैलकुलेशन यानी कि आपके पास जो दिमाग है, ये जो है ना, ये सुपर कंप्यूटर से भी बहुत बड़ी चीज़ है। वो क्या है, सुपर कंप्यूटर से भी बहुत बड़ी चीज़ हमारा दिमाग है। ये दिमाग में जो है गणना होती है, कैलकुलेशन होती है। इस दिमाग में जो है ना वो क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, यानी कि गणना होती है कैलकुलेशन रूप में। कैलकुलेशन दिमागी रूप में, जैसे कि 100 प्लस 50, हम क्या बोले किसी को 100 को 5 से गुना करो, 100 को जो है 5 से गुना कर दो। अब बहुत आदमी क्या होगा, 100 को 5 से गुना कर दो, तो 500 अब बोले 500 हुआ। अब बहुत आदमी क्या होगा, उसको 100 को 5 से गुना करो, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, तो वो क्या लिखेगा 100 5, इसको गुना करना है, 500 5001 5, क्या बोले ए भैया हमारा इसका जो आंसर है ना वो है 500। तो अब आपको क्या है कि यहाँ पे जो दूसरा लड़का था वो क्या हो गया, यहाँ पे कॉपी किताब पे, पेपर और पेन पे वो लिख लिख करके गणना किया है, कैलकुलेशन किया है, तब वो 500 बोला है। अब हम क्या फटाक से ना बोल दिए 100 गुने 5, यानी कि 500। तो हम जो दिमागी रूप से किए वो जल्दी होगा, और जो पेपर और पेन का यूज करेगा उसको टाइम लग जाएगा। क्या करेगा, जो पेपर और पेन का यूज करेगा उसको टाइम लग जाएगा, और जो दिमागी रूप से बनाए उसको समय बहुत कम लगेगा। तो हमको क्या करना, 75 से 80% तक क्वेश्चन को दिमागी रूप से बना देना चाहिए, जो भी चैप्टर का हो सब कुछ आपको हम सिखाएंगे। तो देखिए, तो दिमागी रूप से कर सकते हैं हम लोग गणना, और पेपर और पेन पे कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन का, कोई भी जोड़ हो घटाओ हो गुना हो भाग हो,
हाँ थोड़ा सा दशमलव में ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हमको पेपर और पेन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करना अलाउ नहीं होता है। तो पेपर और पेन पे गणना होती है और मानवीय रूप से गणना होती है। अब देखिए पेपर और पेन पे भी गणना करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ जो है ना हम मानवीय रूप से कर लेंगे गणना। जैसे कि देखिए 525 को हमको गुना करना है 25 से। अब लीजिए इसको कैसे गुना करिएगा, तो इस तरह का गुना करना भी आपको हम सिखाएंगे। क्या करेंगे, 25 के 5 हाथ में 12, 25 दुना 50 12, 62 के 2 हाथ में 6, अब 25 125 और 6 131। लीजिए इतना हम लिख दिए, इतना चीज़ हमको ना यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना जहाँ पे भी टर्म होगा 525 हम वहाँ पर डायरेक्टली 131 लिख देंगे, हमारा आंसर आएगा। तो इतना सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस से होगा और बिल्कुल गुना कर लिया फटाफट। आपको 100 तक पहाड़ा भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 1000 तक में जो है, जो बहुत सारे जो वीडियो पड़ा हुआ ना कि 1000 तक का वर्क कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ट्रिक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आपको वो सब कोई भी ट्रिक वगैरह कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं है। उस तरह से दिमाग खराब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम जैसा यूज करना सीखेंगे कि क्वेश्चन से ही हम आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन जो है ना चार गो ऑप्शन रहता है ना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर में, देखिए क्वेश्चन के अंदर में देखिए चार गो ऑप्शन है ना, ये तो इसमें से जो है ना वो आपको हम ऐसा बना देंगे कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन के अंदर में से जो ऑप्शन है ना चार गो ऑप्शन में से अपने बोले कि रे भैया हम है आंसर, हम है आपका आंसर। तो इस तरह से आपको बना देंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप हमारा मैथ क्लास करते रहिए। ये जो पहला चैप्टर है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ले रहे हैं और फिर देखिए बहुत आसानी से पूरा कैसे बनता है, बने या कहे नहीं आदमी से बढ़ के थोड़े हैं। तो चलिए हम लोग कहाँ थे, कैलकुलेशन पे थे। तो कैलकुलेशन तक आपका ख़त्म हो गया। परसेंटेज में आपको तीन स्टेप में फॉलो करना है, एक है इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या है लैंग्वेज, तीसरा क्या है कैलकुलेशन। ये तीन चीज़ को हमसे जो भी स्टूडेंट सीख लिया ना आज इस वीडियो में, लोग हमें कितना आधा घंटा से लेकर के 40 मिनट तक का वीडियो है, ये 40 मिनट का वीडियो जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल एक बार में जान गया ना पूरा, बिल्कुल किसी भी तरह से बैठ के पूरा जान गया ना, तो उसके लिए पूरा मैथ बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आपको सिखाएंगे क्या, क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि वीडियो जो हम लोग बनाते हैं ये अगर मान लीजिए 3-4 घंटा ये चलेगा परसेंट का क्लास, तो अब 4 घंटा का एगो वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे ना तो बहुत सारे लोग 2-4 मिनट देखेंगे सोच जाए 4 घंटा कौन माथा खराब, चलो हम देख लेते सपना चौधरी को, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको सीखना है, आपको कॉन्फिडेंस देना है कि आप बिल्कुल सीख जाएगा। तो हम क्या 4 घंटे के वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग अपलोड दिखा सकते हैं, या फिर इसको हम 10 पार्ट में भी डिवाइड करके दिखा सकते हैं। वैसे जो 20-30 मिनट का जो वीडियो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो बिल्कुल आधा घंटा का अंतराल करके हम सारा वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप सबको देख लीजिए। और ग्रुप डी, NTPC, लोको पायलट या फिर जितना भी सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है पर जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स ग्रुप में क्वेश्चन पूछता है, हम आपको 0 से लेकर के बिल्कुल प्रो लेवल तक आपको हम सिखा देंगे। 0 से लेकर के प्रो मतलब बहुत हाइयर लेवल तक कोई भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको दूसरे वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज पार्ट 1। और हाँ एक बात का ध्यान रहे, हम जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल छोटा सा छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल बउवा वाला क्वेश्चन, बहुत छोटा बच्चा भी इसको बना देगा वो। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा उस क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते अंतिम में जो क्वेश्चन होगा ना वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि उसको अगर बना दीजिए तो आपका UPSC एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, उतना पावरफुल होगा। फिलहाल तो हम रेलवे लेवल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो रेलवे के ही हैं और हमको फिलहाल रेलवे का ही करवाना तैयारी आप लोगों को। जब आप रेलवे पास हो जाएगा तो हम आपको UPSC लेवल तक भी ले जाएंगे। आप लोग कमेंट करिए ना कि पहले खुद तो बन जाए UPSC। तो देखिए खैर कोई बात नहीं, कमेंट तो बहुत तरह के होते रहते हैं। फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो को बस इतना ही, इसको एडिट करके अपलोड करते हैं और आपको हम दूसरा वीडियो शूट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि परसेंटेज चैप्टर हम बहुत बार शूट भी कर चुके हैं, बहुत सारे यहाँ पे कमेंट भी देखिए कि यार हमेशा परसेंटेज ही पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। परसेंटेज हमारे डेमो के रूप में रहता है और बाद बाकी चीज़ हमारे वीडियो कोचिंग में है। तो आप लोग हमसे मास्टर नोट्स ले सकते हैं जिसको कि हमने लिखा है, मास्टर नोट्स में से आपको 90% क्वेश्चन एग्जाम में टच करता है, बस आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या है कि ये सब चीज़ें हैं तो कुछ बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।